नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ससुराल जा रहे सेना के जवान की अनियंत्रित वाहन बिजली खंभे से टकराई, मौके पर हुई मौत, घर में पसरा मातम। भागलपुर पहुंचे उद्योग मंत्री ने कहा, बियाडा में उद्यमियों को मिलेगी सस्ती जमीन, उद्योगीकरण को मिलेगा बढ़ावा। नाटक में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 3 लाख रुपया नगद समेत घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। अस्थाई कुलपति की मांग को लेकर राजद का आंदोलन जारी, प्रशासनिक भवन सहित कई कॉलेजों में फूका कुलपति का पुतला। और कांवरिया पथ पर आकर्षण का केंद्र बना 54 फीट का कांवर। अब खबरें विस्तार से। पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत खरीक थाना क्षेत्र के तेलगी बीआरसी मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बीपुर थाना क्षेत्र के भवन गामा गौन निवासी मोहम्मद हसनैन के रूप में हुई है, जो देहरादून में सेना के 331 बटालियन में था और वर्तमान में उसकी पोस्टिंग देहरादून में थी। बताया जा रहा है कि मृतक जवान मंगलवार को ड्यूटी से 20 दिनों की छुट्टी पर घर आया था और वह बुधवार को भवन गामा से अपने ससुराल मधेपुरा के 64 थाना क्षेत्र अंतर्गत अरजपुर गांव स्थित सोनबरसा टोला जा रहा था। तभी बीआरसी मोड़ के पास उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर मृतक जवान के मौत से पूरे घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर से खाना खा के और निकले ससुराल के लिए। कहाँ हुआ इनका ससुराल? ससुराल अरजपुर हुआ। कहाँ पड़ता है ये? मधेपुरा, साल बगल मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से घर? कहाँ है? पठान टोला, वार्ड नंबर 1। अच्छा, क्या करते थे? आर्मी में थे। कहाँ पे पोस्टिंग था? देहरादून में थे। बटालियन 333। बिहार के सभी औद्योगिक क्षेत्र के भूमि की दर में 20 से 80% तक की कमी करने को लेकर भागलपुर के गौशाला परिसर में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन का बुधवार को अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर मंत्री का स्वागत किया। वहीं इसके बाद उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भागलपुर में उद्योग मंत्रालय द्वारा दिए गए सौगात के बारे में जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन 20 से 80% तक सस्ती होगी और बियाडा वाली जमीन 90 वर्ष की लीज पर प्रति एकड़ 7 करोड़ तक की छूट की भी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पहली बार इतना बड़ा फैसला लिया है। साथ ही कहा कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंटों पर मुहर लगी, जिसके बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के निर्णय के अनुसार राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए 54 औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के लीज पर 80 से 20% तक की छूट मिल सकेगी। वहीं शहनवाज हुसैन ने 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की मंशा और पटना में PFI की गतिविधि के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में इस तरह की साजिश नहीं चलेगी और इस तरह की आतंकी सोच रखने वालों को कानून के तहत सजा दिलाई जाएगी। साथ ही मामले का तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। इधर उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन के अभिनंदन कार्यक्रम में शहर के कई व्यवसायी, भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के अलावा कई संगठनों के लोगों ने उनका स्वागत किया। बियाडा की कल कैबिनेट में जो बैठक हुई, उसमें बहुत ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लिया है और उस निर्णय में हमने कोशिश की है कि उद्योग लगाने के लिए जितनी भी मदद हो सकती है वो मदद हम लोग कर रहे हैं। नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी हम लोग लेकर आए, हम लोग इथेनॉल पॉलिसी लेकर आए, ऑक्सीजन पॉलिसी लेकर आए, हम लोग स्टार्टअप की पॉलिसी लेकर आए, हम लोग बुनकर के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। 7 तारीख को बुनकर का कॉन्फ्रेंस होगा पटना में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और एक बुनकर कॉन्फ्रेंस हम पटना में करने जा रहे हैं। बुनकर का भी भला करना है। हम लोगों ने यहाँ
थाई रील जो बनाते थे उनको मशीन देने का काम किया, बुनकर को 10,000 रुपये देने का काम किया था। अब जो हम लोगों ने नई बियाडा की पॉलिसी बनाई है, इसमें हम लोगों ने ध्यान रखा है कि उसकी दूरी कितनी है, उसकी पहुंच पथ की स्थिति कैसी है, शहर से दूर है या नज़दीक है। 20 से 80% हम लोगों ने छूट दी है, इसके लिए 54 औद्योगिक इकाई को शामिल किया गया। 80% छूट वाले 15 इकाई हैं, 60% छूट वाले 12 इकाई हैं, 40% छूट वाले 12 इकाई हैं, 20% छूट वाले 15 इकाई हैं। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भतोड़िया गांव में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसमें करीब 3 घर जलकर राख हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि इस आगजनी में पैसे समेत घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अजय कुमार दलवल और 112 अग्निशमन की टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक कई घर आग की चपेट में आकर तबाह हो चुके थे। हालांकि काफी मशक्कत के बाद अग्निशमन टीम की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे और घरों को आग के नुकसान से बचा लिया गया। वहीं घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने बताया कि अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसमें उन सबों की करीब 5 लाख की संपत्ति और नगद 3 लाख रुपया आगजनी की भेंट चढ़ गई। वहीं इससे पूर्व स्थानीय लोगों द्वारा आग को बुझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कैसे जानकारी मिली की चल रहा पैसा कितना चल रहा तो रखी ना मुझे अभी भतुरिया पंचायत के अंतर गंगा प्रसाद में रंजू देवी छोटी दिनेश मंडल दिनेश यादव और प्रसादी यादव किताब ईश्वर की बुच्ची यादव और तीसरा हुआ बौधी यादव किताब प्रसादी यादव बीवी, तीनों के घर में अचानक आग लग गया है, जिसमें उसका बहुत टोटल सामान घर का घर जल गया है। उसके रखा हुआ उसमें जो भी गल्ला था मकई गेहूँ चावल भी जल गया है, और जैसा कि पिछले पता चला है कि वो गिरा कर कहीं जमीन बेचा था अपना घर बनाने के लिए या कुछ काम करने के लिए, उसका कैश भी है करीब 2-3 लाख के लगभग, जैसा कि लोग बता रहे हैं जल गया है, और जले हुए नोट का अवशेष भी मिल रहा है। तो इसीलिए है इसको बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। तो आप मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितना भी जल्द हो सके इनको जो है अपने स्तर से इंक्वायरी करवा करके सीओ साहब इनको जो है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का प्रभार BRA विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे को दिया गया, बावजूद TMU की स्थिति बगैर कुलपति जैसी है। करीब 10,000 छात्रों की डिग्रियां BC के हस्ताक्षर नहीं होने की वजह से फंसी हुई है। पिछले 8 माह में प्रभारी कुलपति सिर्फ 4 दिन ही दफ्तर आए हैं, जिस कारण छात्रों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। वहीं TMU में स्थायी कुलपति की नियुक्ति और प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे की बर्खास्तगी की मांग को लेकर छात्र राजद 5 दिनों से प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक भवन मुख्य द्वार के सामने प्रभारी कुलपति का पुतला फूंका। इस दौरान छात्रों ने कुलाधिपति और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। दिलीप कुमार ने बताया कि TMU के अलावा अन्य कॉलेजों में भी कुलपति का पुतला जलाया गया। उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन तालाबंदी से विश्वविद्यालय के अधिकारी बौखला गए हैं और आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। छात्र नेता ने कहा कि 5 दिन से लगातार विश्वविद्यालय में आंदोलन हो रहा है, इसके बावजूद नीतीश सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सो रही है। छात्र राजद के प्रदेश महासचिव शांतनु राउत ने कुलपति की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान समय में मोटी रकम लेकर ही कुलपति नियुक्त करने की परंपरा बन गई है, जिस कारण उच्च शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है। मौके पर पूर्व कौंसिल सदस्य नीतीश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार के सभी विश्वविद्यालयों की स्थिति बदतर हो गई है, जबकि छात्र राजद के प्रवक्ता आशुतोष कुमार ने कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा प्रणाली की दयनीय स्थिति के कारण छात्र छात्राएं दूसरे
दूसरे राज्यों में पलायन करने को विवश हैं। पोतला तहन में छात्र राजद के जिलाध्यक्ष राजा राधिका रमन, चंदन यादव, उमरताज, गुलशन कुमार, दयानंद यादव समेत काफी संख्या में छात्र उपस्थित थे। देखिए, इस विश्वविद्यालय में जो सर्वोसर्वा होते हैं वो कुलपति होते हैं, और कुलपति की नियुक्ति हो गई है और कुलपति 8 महीने से गायब है, और जब कुलपति ही नहीं है तो फिर विश्वविद्यालय किस काम का? किसी भी कार्य को छात्र छात्राएं करवाने के लिए आते हैं तो यहाँ के जो पदाधिकारी बोलते हैं हम हाथी का दांत है दिखाने के लिए, खाने के लिए आए ही नहीं। जब आप हाथी का दांत दिखाने के लिए तो काहे आप पद पर बैठे हुए? इस्तीफा दे दीजिए, विश्वविद्यालय बंद कर देंगे। विश्वविद्यालय पठन पाठन की चीज़ कार्य यहाँ पे कार्य किया जाता है, ये दर्शनीय स्थल तो है नहीं। जब ना यहाँ पर कोई पदाधिकारी है ना कोई छात्र छात्राओं का काम होता है, इसे बंद कर दिया जाए, और जब तक इस अस्थाई कुलपति की नियुक्ति नहीं होगी ये ताला नहीं खुलेगा। ये छात्र राजद इसके लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को जारी रखेगा, और राजभवन में ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं आप लोगों के जरिए कि कान खोल कर जो ये भ्रष्टाचारी राज्यपाल है वो भी सुन ले कि जब तक यहाँ पर अस्थाई कुलपति को नियुक्ति नहीं करेंगे तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। लगातार 6ठे दिन भी आज तालाबंदी हम लोग किए हुए हैं। बस एक ही मांग है कि अस्थाई कुलपति तिलका मांझी विश्वविद्यालय को मिले, और कल प्रोक्टर ने एक पत्र जारी करके ये छात्रों को डराने और धमकाने के लिए जो काम किया है, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। आखिरी सांस तक जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन विश्वविद्यालय को जब तक कुलपति नहीं मिल जाता तब तक आखिरी सांस तक यहीं पर बैठे हुए रहेंगे। आज छात्र राजद के द्वारा पांचवां दिन अस्थाई कुलपति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन तालाबंदी किया गया। साथ ही साथ आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में पुतला प्रभारी कुलपति का पुतला दहन किया गया। साथ ही साथ मुख्यालय के जो जितने भी बाहरी अंगीभूत कॉलेज हैं उन सभी में प्रभारी छात्र राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ भी प्रभारी कुलपति का पुतला दहन किया गया है। श्रावणी मेला के 7वें दिन बुधवार को मारुफगंज पटना सिटी के शिवधारी कांवर संघ के कांवरियों का जत्था 54 फीट का कांवर लेकर भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम पहुंचा। इस दौरान अजगैवीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करते हुए कांवरियों ने अपने 54 फीट के विशाल कांवर की पूजा की, और बाजा गाजा के साथ नाचते झूमते हुए देवघर बाबा वैद्यनाथ के लिए रवाना हुए। वहीं इसको लेकर पटना सिटी के शिवधारी कांवर संघ के अर्जुन कुमार एवं विनोद कुमार ने बताया कि देश में सुख शांति और उन्नति की कामना को लेकर विगत कई वर्षों से वो सभी 54 फीट का कांवर लेकर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक और प्रसन्न करने जाते हैं, जिससे कि सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। साथ ही कहा कि 54 फीट और 600 किलो के कांवर को ले जाने के लिए कांवर यात्रा के दौरान संघ से जुड़े 800 लोग शामिल होते हैं, जो बारी बारी से कांवर लेकर नाचते झूमते हुए देवघर जाते हैं। वहीं इस कांवर यात्रा में शिवधारी कांवर संघ के सदस्य विनोद बाबा, शिवम मुकुल कुमार, कुणाल पासवान, सूरज शर्मा सहित काफी संख्या में कांवरिया मौजूद थे। इस तरह का कांवर 54 फीट का जाता है इस खुशी में कि बाबा से प्रार्थना हम लोग करते हैं कि मेरा देश सुख शांति अमन चैन से रहे। 54 फीट का कांवर है कि हम लोग शेर हैं तो दुगला नहीं है, बाबा का भक्त है, छोटा है लेकिन जाते हैं प्रेम से, बोलते हैं हर हर महादेव, बोलबम बोलबम, और सभी शुभकामना करते हैं कि हमारा देश सुख शांति रहे, बढ़ते रहे। एक तरफ बिहार सरकार नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर तरह तरह के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर सुल्तानगंज श्रावणी मेला में गांजा का सेवन कांवरियां खुलेआम करते दिख रहे हैं। इस दौरान कांवरिया बाबा भोलेनाथ का प्रसाद बताकर खुलेआम गांजा की फूंक मारते दिख रहे हैं, जबकि गांजा तस्करों के लिए भी श्रावणी मेला एक अवसर बन चुका है। इधर गांजा का सेवन कर रहे वैशाली के कांवरियों ने बताया कि कई वर्षों से अजगैवीनाथ धाम से बाबा वैश्यनाथ धाम की पैदल यात्रा कर भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, और रास्ते में थकान से राहत के लिए बाबा भोलेनाथ का प्रसाद गांजा का सेवन वो सभी करते हैं। साथ ही कहा कि पैदल 105 किलोमीटर की यात्रा वो लोग 2 दिन में पूरी कर देवघर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। बताया जाता है कि श्रावणी मेला में सुल्तानगंज से देवघर तक गांजा का कारोबार करोड़ों रुपये का होता है, जबकि इस पर सरकार या किसी भी पदाधिकारियों की ओर से भी कोई रोक टोक नहीं की जाती है। कितने सालों से आ रहे हैं? लगभग हम 3 साल से आ रहे हैं। हम 2 साल से आ रहे हैं। तो आप लोग जो जा रहे हैं, जो बाबा भोलेनाथ का जो प्रसाद है गांजा, किस तरफ सेवन करते हैं? और उसे पीने से शरीर में शक्ति मिलता है, बाबा का दरबार का पता ही नहीं चलता है कितना दूर है बाबा का दरबार। कितने दिनों में 105 किलोमीटर का जो दूरी है तय करते हैं आप लोग? लगभग 2 से 2.5 दिन। 2 से 2.5 दिन में तय करते हैं? बिल्कुल। कोई थकान नहीं होता? कोई थकान नहीं।
यही प्रसाद जो है, यही प्रसाद के लेकर। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन और बिहपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र बुधवार को भागलपुर कोर्ट पहुंचे, जहां वे दोनों एसीजेएम प्रथम प्रवाल दत्ता की कोर्ट में उपस्थित हुए। बताया जा रहा है कि 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान नवगछिया के बेपोई झंडापुर में चुनाव के दौरान एक पान की घुमटी पर सैयद शहनवाज हुसैन और इंजीनियर शैलेंद्र का कैलेंडर बरामद किया गया था, जिसको लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया हुआ था। और इस मामले में बुधवार को कोर्ट में उन दोनों की गवाही होनी थी, जबकि किसी कारण से गवाही नहीं हो सकी और कोर्ट ने इसके लिए अगले डेट दी है। वहीं इसको लेकर उद्योग मंत्री ने कहा कि पहले भी एक छूटे मुकदमे में वह कुछ दिन पहले रिहा हो चुके हैं और यह मामला भी छूटा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय अधिकारी बड़े नेताओं को परेशान करने के लिए अक्सर गलत केस करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस केस का फैसला आने के बाद गलत केस करने वालों के खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये आचार संहिता में फर्जी कहीं पे कैलेंडर टंगा हुआ था, पंपलेट कह रहा है, जबकि जांच में नहीं लगा कहीं टंगा ही नहीं था। पिछली बार भी एक फर्जी केस था, वो ईसीपुर बाराहाट का, जिसमें सुखनी चौधरी जी और हम उसमें बाइज्जत बड़ी हुए। इस बार भी एक फर्जी है, बड़ी परेशानी होती है, जनता के काम में काफ़ी व्यवधान होता है, जनता के लिए ही चुनाव लड़ते हैं और जो अधिकारी होता है वो मदमस्त हो जाता है चुनाव के वक्त में। आचार संहिता में उसको लगता है कि उसी को सब अधिकार मिल गया, वही लोकतंत्र का मालिक हो गया और कोई भी मुकदमा ठोक देता है। तो हम लोग जब इसमें जब जीतेंगे तो वो जब जीतेंगे तो उस पर उल्टा मुकदमा ठोकेंगे। भागलपुर के जोगसो थाना क्षेत्र अंतर्गत बुढ़ानाथ मोहल्ले के वार्ड नंबर 24 में बिजली की समस्या को लेकर वहां के ग्रामीण काफी परेशान हैं। इसको लेकर मंगलवार की देर शाम मोहल्ले वासियों के सब्र का बांध टूट गया और वे सभी टॉर्च बत्ती के साथ बिजली विभाग पर आक्रोश जताते हुए सड़क पर उतर कर जोरदार प्रदर्शन करने लगे। दरअसल बुढ़ानाथ मोहल्ले के वार्ड नंबर 24 में 3 दिनों से बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मोहल्ले के लोगों ने इस ठूल मूल रवैये के विरोध में स्थानीय जनप्रतिनिधि और आला अधिकारियों के खिलाफ भी नारेबाजी की। वहीं इसको लेकर स्थानीय निवासी रितेश सिंह ने कहा कि विगत 3 दिनों से उनके मोहल्ले में बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है, जबकि पिछले एक हफ्ते से बिजली का तार जल जाने के कारण उनके मोहल्ले में बार बार बत्ती गुल हो जाती है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि फाइबर वाले वायर से आग लगने की संभावना अधिक होती है, लेकिन इसके बावजूद बिजली विभाग इस पर ध्यान नहीं देती है। साथ ही कहा कि अगर इस तरह की समस्या पर लापरवाही बरती गई तो कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसके अलावा मोहल्ले वासियों ने बिजली विभाग के दफ्तर का भी घेराव किया, लेकिन फिर भी विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं खुली, जबकि लोगों का कहना है कि उन्हें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग नहीं मिला। मौके पर मोहित सिंह, महेश सिंह, रमेश वर्मा, तपन बनीक समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। रोज का नियम हो गया है, रात होता है, दिन होता है, जब भी हो जब होता है ये तार जल जाता है और जल के ये टूट जाता है। इस कारण से अभी तक तो ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी है, पर भगवान से मनाऊंगा ऐसी दुर्घटना घटे भी नहीं। पर ये बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है,
ये तार नकली तार है और एकदम 100% क्योंकि आज ठीक करके जाता है, 2 घंटे के बाद वापस जल जाता है और इसमें आग लग जाता है तार के अंदर, ऐसा प्लास्टिक है इसमें आग लग जाता है। बूढ़ानाथ में यह समस्या है कि हम रंजन कुमार बूढ़ानाथ से बोल रहे हैं, इस आरकेएलएन गली बूढ़ानाथ रोड में 1 सप्ताह से एक ही समस्या हो रहा है बिजली का, जो कि नकली तार के वजह से हमेशा लाइट कट रहा है, तार गल रहा है, गिर रहा है, रोड पे आदमी आ रहा है जा रहा है, उसको कब करंट लग जाएगा, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, ये देखा नहीं जा रहा है कभी, हमेशा अभी एक पोल से दूसरे पोल तक तार बदली करता है। बिजली की समस्या बहुत पुरानी है इस शहर के लिए, तब भी मोटा मोटी ठीक ही था, लेकिन ये जो केबल वाला तार बदला गया, इसमें बोला गया था कि फाइबर तार लगेगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि रबड़ का तार है और अंदर क्या तार है, इसमें आग लग जाता है, पूरे शहर में आग लग के पिघल के गिर रहा है, डेली का डेली तार टूट रहा है। ये बूढ़ानाथ रोड में तो एक ही पॉइंट पर दिन में 2 बार टूट रहा है। भागलपुर से शहर की साफ सफाई का जिम्मेदारी नगर निगम के जिम्मे है, लेकिन सफाई कर्मी को नगर निगम के द्वारा कभी भी समय पर वेतन नहीं मिल पाता है, जिससे सफाई कर्मी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वहीं नगर निगम प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण निगम परिसर प्रदर्शनकारियों का अड्डा बन गया है। आए दिन किसी न किसी विवाद के कारण काम से अधिक यहाँ प्रदर्शनकारियों का जमावाड़ा लगा रहता है। इसको लेकर बुधवार को संविदा पर बहाल 260 सफाई कर्मी प्रदर्शन करते दिखे। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने कहा कि वे सभी 3 महीने से संविदा पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि इसको लेकर कई बार जोनल मैनेजर से भी बात की गई, लेकिन मैनेजर द्वारा उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। इधर सफाई कर्मियों ने कहा कि जल्द ही वेतन नहीं मिला तो नगर आयुक्त का घेराव करेंगे। पैसा 3 महीना करवा लिया काम, 1 महीना पैसा मतलब दौड़ा रहे 1 महीना से, और कल परसों सोमवार मंगल बूथ कर रहा है, जोनल से बात की है, जोनल बोला तुम लोग को बूथ को पक्का पैसा मिल जाएगा, तो हम लोग बूथ को आए तो इधर उधर दौड़ा रहा है, बोल रहा है कि साहब अभी साहब से फाइल नहीं होगा, कभी सिटी मैनेजर का लेता है, बड़ा बाबू बोल रहा है कि हो रहा है काम, जब काम हो रहा है तो कहाँ हम लोग को कुछ सुझाव नहीं दे रहा, खाली बोलता बैठो मिलने आते हैं, मिलने आते हैं, बोला मिलने आ रहे हैं, वो मिलने भी नहीं आता हम लोग से, बोला नगर आयुक्त से भी बात होने बोला था, मगर नहीं हुआ। सेवा संपुष्टि की मांग को लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कॉलेज कर्मियों की हड़ताल 3रे दिन भी जारी रही। वहीं शिक्षकेतर कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टीचर्स एसोसिएशन ने भी किया। गौरतलब है कि कर्मचारियों की मांग का समर्थन मंगलवार को छात्र राजद ने भी की थी। बुधवार को सभी 12 अंगीभूत कॉलेजों के अलावा पीजी विभाग एवं विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय में कामकाज ठप रहा। अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलनकारियों ने जबरन विश्वविद्यालय प्रेस और टीलाकोटी पर प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग को बंद करा दिया। संघ के प्रक्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल ने बताया कि 12 सूत्री मांग पूरी नहीं होने तक कॉलेजों और पीजी विभागों में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इधर शिक्षकेतर कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कॉलेजों में सन्नाटा पसरा रहा, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में तालाबंदी के कारण कर्मियों को वापस लौटना पड़ा। आज हम लोग का तीसरा दिन है हमारा आंदोलन एकदम बिल्कुल जारी है, और सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग विश्वविद्यालय प्रेस छात्रावास सहित सारे कर्मचारी अपने अपने धरना पर बैठे हुए हैं और बंद है सारा महाविद्यालय विश्वविद्यालय। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, सेवा कन्फर्मेशन नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन एकदम जारी रहेगा, और 13 सूत्री मांग है उसको भी लागू करना है। हम लोग धरना पर पे बैठे हुए हैं संविदा कर्मियों को नियमित कराने के लिए, और दूसरा है सेवा कन्फर्मेशन नियमित करने, तब तक आंदोलन जारी रहेगी। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में आरपीएफ जवान की मुस्तैदी से ट्रेन की चपेट में आने से एक यात्री को बचा लिया गया। दरअसल स्टेशन से ट्रेन खुलने के बाद यात्री ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया, लेकिन वहां मौजूद आरपीएफ के जवान और कांवरियों ने दौड़कर यात्री की जान बचा ली। वहीं प्लेटफॉर्म में लगे सीसीटीवी में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। हालांकि एक और जहां इस घटना में कांवरिया और आरपीएफ जवान की सक्रियता के
सराहना हो रही है। वहीं इस तरह की घटना से यात्रियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। पीरपैंती प्रखंड स्थित ट्राइसेम भवन में पीरपैंती प्रखंड प्रमुख रेशमी कुमारी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसमें पीरपैंती विधायक ललन पासवान और बीडीओ चंदन कुमार चक्रवर्ती ने विभिन्न पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य और मुखिया के समक्ष क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं बैठक में विधायक ललन कुमार ने बताया कि 12 पंचायत को प्रखंड बनाने के प्रस्ताव को पंचायत समिति की बैठक में पारित किया गया है, जिसमें 8 पंचायतें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इससे पदाधिकारी की संख्या बढ़ेगी और आम लोगों से जुड़े विकास कार्यों में तेजी आएगी। साथ ही कहा कि दियारा क्षेत्र में बाढ़ के समय बिजली के पोल नजदीक होने के कारण नाफ के आवागमन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस दौरान मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों ने बिजली समस्या के साथ राशन कार्ड में हो रही गड़बड़ी को लेकर अपनी बात रखी, जबकि एक मुखिया ने कहा कि पीरपैंती CDPO हर माह आंगनबाड़ी सेविका से 4,000 रुपये लेती है। बैठक में उप प्रमुख अंजू सिन्हा, पवन यादव, फरहीन खातून, अविन शाह, सुधीर पांडे समेत काफी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्या को रखा। वहीं बैठक में हंगामा बढ़ता देख वीडियो चंदन कुमार चक्रवर्ती ने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को वीडियो और फोटोग्राफी करने पर रोक लगाते हुए बाहर निकल जाने का निर्देश दिया, जिस पर मुखिया और पंचायत समिति के सदस्यों ने वीडियो पर उन सभी की आवाज दबाने का आरोप लगाया, जबकि मीडिया कर्मियों ने भी भवन के बाहर निकलकर वीडियो से प्रमुख के सचिव पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ससुराल जा रहे सेना के जवान की अनियंत्रित वाहन बिजली खंभे से टकराई, मौके पर हुई मौत, घर में पसरा मातम। भागलपुर पहुंचे उद्योग मंत्री ने कहा बियाडा में उद्यमियों को मिलेगी सस्ती जमीन, उद्योगीकरण को मिलेगा बढ़ावा। नाटक में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 3 लाख रुपया नगद समेत घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। अस्थाई कुलपति की मांग को लेकर राजद का आंदोलन जारी, प्रशासनिक भवन सहित कई कॉलेजों में फूका कुलपति का पुतला। और कांवरिया पथ पर आकर्षण का केंद्र बना 54 फीट का कांवर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।